हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एक्साइटिंग वीडियो में। किस तरीके से आप अपनी सालाना इनकम 5 लाख से ज़्यादा बना सकते हो और आप जॉब पा सकते हो अमेजोन और पेटीएम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में। वाइट कॉलर जॉब करना चाहते हो और लाखों कमाना चाहते हो तो कोडिंग सीखना बेहद ज़रूरी है। आप कोडिंग की मदद से ऐप, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। आज की डेट में पाइथन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। सोशल मीडिया हो या फिर विज्ञापन की दुनिया, इस समय कोडिंग की ही बात हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 क्लास से ही कोडिंग सीखने का निर्णय लिया गया है। स्टूडेंट समझ गए हैं, अगर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में पहचान बनानी है तो कोडिंग सीखना बेहद ज़रूरी है। आजकल तो आईटी टीचर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाखों सैलरी दे रहे हैं। आप सबको पता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा है। आफ्टर पेंडेमिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, जॉब की ज़रूरत किनको नहीं है, आज की डेट में जॉब पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। दोस्तों, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहती हो तो आपके पास एक अच्छी स्किल्स का होना ज़रूरी है। तो ये स्किल्स आप कैसे डेवलप कर पाओगे, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसाई स्कूल के बारे में, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। और इसमें एक खास बात यह कि आपको 15,000 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। कोर्स ड्यूरेशन में आपको 15,000 दिए जाएंगे ताकि आप अपनी पॉकेट खर्च को निकाल सको। दोस्तों, मैं दिल से थैंक्स करता हूँ मसाई स्कूल को, आपके लिए इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ लाया है। तो आप ये कोर्स घर बैठे आराम से कर सकते हो। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है या ग्रेजुएशन कर ली है या आप जॉब कर रहे हो। आप सब के लिए है और आप सब इनका फ़ायदा उठा सकते हो। दोस्तों, आपको इसमें 2 तरह के कोर्स सिखाए जाएंगे। पहला है फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें आपको कोडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, जो 30 वीक्स का कोर्स होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो, बस आपके पास एक नॉर्मल स्किल्स होना चाहिए, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल पास होना चाहिए और आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सको। थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश इसमें कंपलसरी रखा गया ताकि जो क्लासेज होंगे आपके वो इंग्लिश में होंगे और आप इसको समझ सको। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कोर्स है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, जो 30 वीक्स का कोर्स होगा, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, किस तरीके से आप ऐप डेवलपमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हो और किस तरीके से आप एक अच्छा ऐप डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, मसाई स्कूल में 100% गारंटी के साथ आपको जॉब दी जाएगी। अगर आपकी जॉब 5 लाख से 40 लाख के बीच में लगती है तो आपको अपनी सैलरी का 15% 3 साल तक आपको देना है। अगर आपकी जॉब 5 लाख से नीचे लगती है तो आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। जैसा कि आप इनकी वेबसाइट में देख सकती हो, 0 फी पे टिल यू अर्न 5 लाख प्लस। दोस्तों, मसाई स्कूल की एक खास बात बता दूं कि आपको 15,000 का स्टाइपेंड हर महीने दिया जाएगा। आपको टोटल 7 मंथ तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर आपके पास एनएफ मनी है, अगर आपके पास पॉकेट खर्च निकालने के लिए आपके पास उतने पैसे होंगे तो आप उस पैसे को नहीं भी ले सकते हो, बट आपको उस पैसे को जब रिटर्न करने, जब आपकी जॉब 5 लाख प्लस की लग जाती है तो आप उस पैसे को रिटर्न कर सकते हो। दोस्तों, इससे अच्छी बात क्या होगी, आपको फ्री में एडुकेशन भी दिए जाएंगे, ऊपर से आपको पैसे भी दिए जाएंगे। आईएसए एक एग्रीमेंट है जो आपके साथ एग्रीमेंट बनाया जाएगा, जिसमें आपको अपनी सैलरी का 15% देना है, जो टोटल 3 इयर्स तक आपको अपनी सैलरी का 15% देना है। और आप जो स्टाइपेंड लोगे 15,000, उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपकी जॉब 5 लाख प्लस की लग जाती है तो आपको इस पैसे को जब रिटर्न करना होता है। अगर आपकी जॉब 5 लाख प्लस की नहीं लग पाती है तो आपको ये स्टाइपेंड वगैरह कुछ भी नहीं रिटर्न करना होगा। तो इस पेंडेमिक टाइम में स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, जिसमें आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। टोटल आपको 7 मंथ के कोर्स करने हैं और अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। किसी ने यह सच कहा है कि किस्मत भी उसी का साथ देता है जिसमें जीतने का जज्बा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सुबह 9 बजे से आपको रात 9 बजे तक आपको क्लासेस करने होते हैं और 90% का अटेंडेंस भी आपको देना ज़रूरी है। मैंने शुरू में कहा कि ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में सीरियसली कुछ करना चाहते हैं। अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बाद में क्विट करते हो तो आपके पेनल्टी भी भरने होते हैं। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि मसाई स्कूल को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो मसाई स्कूल को 15% का बेनिफिट होगा, जो आपसे हर महीने लिया जाएगा। टोटल 36 मंथ तक आपसे 15% आपकी सैलरी का लेने वाला है। फिर से बता दूं कि अगर आपकी जॉब 5 लाख से नीचे लगती है तो आपको कोई भी सैलरी नहीं पे करना होगा।
बट मसाई स्कूल की 100% कोशिश रहेगी कि आपकी जॉब 5 लाख से प्लस लगे, ताकि उनके मेहनत भी बर्बाद नहीं जाए और आपके 7 महीने भी बर्बाद नहीं जाए। मसाई स्कूल ने एक नए फीचर्स को ऐड किया जिसमें आप पार्ट टाइम अपने जॉब के साथ इस कोर्स को कर सकती हो, जो 52 वीक्स का टोटल कोर्स है जो आप अपने जॉब के साथ कर सकती हो। अगर आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो तो आप और एक्सपर्टीज बन सकती हो, आप एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो सकती हो। अगर आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से नहीं भी हो, अगर आप दूसरे फील्ड से हो, तो आप स्विच करके इसमें आ सकती हो। डेफिनेटली आप इसका फ़ायदा उठा सकती हो, आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है। मसाई स्कूल एक नया बैच स्टार्ट करने वाला है जिसमें आप फटाफट इनरोलमेंट कर सकती हो, जो वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के लिए है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें मसाई स्कूल ने एक और टर्म एंड कंडीशन रखा है, अगर आप 3 महीने के अंदर फायर आउट कर दिए जाते हो तो आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है। फिर से, अगर आप 3 महीने के बाद फायर आउट कर दिए जाते हो तो आपको अपनी सैलरी का 15% हर महीने देना होगा। बट दोस्तों, मेमेंसीज कंपनी में रेयर केस में ही किसी को फायर आउट किया जाता है, शायद इसके जो चांसेस है 1% है, ऐसा शायद ही किसी के साथ ऐसा होता है। दोस्तों, मसाई स्कूल के कोर्स को 3 फेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फेज में अगर आप छोड़ देते हो तो आपको 50,000 का पेनल्टी भरना होता है। अगर आप सेकंड फेज में छोड़ देते हो तो आपको 1 लाख का पेनल्टी भरना होता है। अगर आप थर्ड फेज में छोड़ देते हो तो आपको 1.5 लाख का पेनल्टी भरना होता है। इसके अलावा आपको 3 ब्लैंक बैंक चेक देने होते हैं, जो टोटल 1.5 लाख का होता है, ईच 50,000 का होता है। और आपको 1 मंथ का ट्रायल भी दिया जाता है, अगर आप 1 मंथ के अंदर क्विट कर देते हो तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं भरने होती। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आप अगर क्विट करते हो तो आपको ये पेनल्टी भरने होते हैं। तो गाइस, चलिए समझते हैं आप किस तरीके से मसाई स्कूल में इनरोलमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना है www.masaischool.com, राइट। आपको masaischool.com पे क्लिक करना है, जो सबसे फर्स्ट में आपको इसको क्लिक कर देना है, राइट। एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा मसाई स्कूल का। आप यहाँ से सारी डिटेल्स इनके बारे में चेकआउट कर सकते हो, इनके कोर्सेज के बारे में जान सकते हो, फीस एंड ISA क्या, ISA सर्टिफिकेशन क्या है, क्या उनके टर्म एंड कंडीशन है, आप सारी चीज़ें यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। व्यू कोर्सेज में जाकर के इनके कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। इसमें आपको अपना खुद का नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है और कन्फर्म पासवर्ड कर देना है। देन आपको साइनअप पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। मेरा अकाउंट क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी, तो मुझे साइन इन पे क्लिक करना है, राइट। आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, बट आपके सामने इससे पहले एक और इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस में आपको आपके डिटेल्स डालने हैं, आपके नेम डालने हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल फीमेल सारी चीज़ें आप वो डाल सकती हो। उसके बाद आपको कौन से कोर्सेज आपको लेने हैं तो कोर्सेज के बारे में भी आप में डाल सकती हो। उसके बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो इस इंटरफेस में आपको टेस्ट लिया जाएगा, 4 सेक्शन में आपके टेस्ट लिए जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 20 मिनट्स का होगा। सेक्शन 2 में कंप्यूटर लिटरेसी चेक किया जाएगा, 10 मिनट्स का होगा। सेक्शन 3 में आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, जो 1 मिनट का टेस्ट होगा। और सेक्शन 4 में अटेंशन टू डिटेल्स आपकी चेक की जाएगी, जो 1 मिनट का टेस्ट है। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है, देन डॉक्यूमेंटेशन कर देना है। फाइनल राउंड आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा। उससे पहले आपको यहाँ आपके नंबर डालने हैं, वेरीफाई कर देना है, पैन कार्ड डालना है, उसे यहाँ ऐड कर देने हैं। देन आपको नीचे आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख पाएंगे, जैसा कि आपको एक मॉक टेस्ट देना है। आपको टेस्ट सीधे देना है तो स्टार टेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं देना है, उनके बारे में जानना है, तो व्यू डिटेल्स में जाकर के आप इनके सारे डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, किस तरीके से मॉक टेस्ट लिया जाएगा, राइट। तो गाइस, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, इनके सारे डिटेल्स इन्होंने दे रखा है। बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको हाई स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग वगैरह आपको पूछा जाएगा। दोस्तों, मेरी राय बस यही है कि आपको एक बार ज़रूर इनरोलमेंट करना चाहिए। शायद ही कहीं ऐसा हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दिया जा रहा है और आपको साथ में पैसे भी दिए जा रहे होंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकती हो। कि पैशन अगर आपका कोडिंग से रिलेटेड है तो आपको हमेशा अपनी पैशन फॉलो करना है। अगर आपके पैशन कोडिंग से रिलेटेड है तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए।